मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो कॉलिंग बात हुई आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने आपसे कभी उनसे कहा ऐसा और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, कोई मोबाइल नंबर के थ्रू तो बातचीत होती नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रिपोर्टर भी रहते हैं साथ में, तो अपनी सारी योजनाएं बताते रहते हैं, इधर उधर की कई तरीके की बातें करते हैं। उसी में काफी बार उन्होंने कहा इधर आओ, और मतलब आई लव यू भी बोला कई बार, तब हमें पता चला उनकी फीलिंग क्या है ना। उनकी फीलिंग के बेस पर ही हम इतना ज्यादा इमोशनल हुए कि हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस में सच्चाई नहीं है, जब हमने उनके इमोशंस में सच्चाई देखी तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करेंगे, हम पूरी लाइफ इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। हमें पता है वो सन्यासी हैं, मैरिज के सपोर्ट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं उन्हीं के संरक्षण में रहें, हमें सेकेंड मैरिज ना करनी पड़े, उन्हीं के साथ में रहें। उनको मतलब छोड़ नहीं सकते अब हम, कि नहीं उनको भूल जाएं और उनके साथ जो एक साल से हम जुड़े हुए हैं सारी बातें भूल जाएं। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से अकेले, कभी हॉस्टल में रहते हैं, कभी रेंट का रूम लेकर के रहते हैं, ऐसे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मेंटली हम डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो रहे हैं। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है हम क्या कर रहे हैं, क्या। मम्मी भी कहती है कि नहीं सेकंड मैरिज कर लो, लेकिन हम सेकंड मैरिज के सपोर्ट में इसलिए नहीं क्योंकि हम इनको नहीं भूल सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार ये सामने आकर के बातचीत कर लें, जो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक साल से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आमने सामने आकर के बातचीत कर लें। योगी जी आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करें, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते, मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, अगला कदम यही हो सकता है। फिर कल उनका जन्मदिन था, क्या आपकी बात हुई उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई, हमने उनको एक लेटर में ऐसे ब्लैंक पेपर में लिख करके उनको मतलब बर्थडे विश भी किया उनको, काफी हमने बातें कही उनसे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई। डायरेक्ट अगर मेरी बातचीत होती तो ये बताइए यहाँ क्यों इतनी देर धूप में दौड़ रहे होते? 3 दिन से आप लोग यहाँ टहल रहे, अभी तक किसी से? 2 दिन पहले हम आए थे, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, है ना, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा था लेटर पहुंचा देंगे, अभी गए। सीएम किसको? केशव प्रसाद मौर्य जी को। हाँ, तो मौर्य जी ने क्या कहा, पहुंचा देंगे? हाँ, हमने उनको सारी बातें भी बताई, बहुत लोग थे तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपका जो लेटर है उन तक पहुंचा देंगे। अभी हम गए थे स्वागत कक्ष में, उनका स्टाफ बैठा हुआ है स्वागत कक्ष में, जो मीटिंग कराते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उन्होंने कहा ये लेटर उन तक पहुंचा दिया गया, उन्होंने पढ़ भी लिया, उनसे बातचीत भी हुई है स्टाफ में, उन्होंने कहा लेटर उन तक पहुंचा दिया गया, जब वो टाइम देंगे तब आपसे मिलेंगे। जैसा कि आपको लगता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए लोग कहते हैं एविडेंस, तो भाई हम एविडेंस क्या दें? एविडेंस हम है जो एक मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भी जानते हैं। हमने कभी रिकॉर्ड नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं है कि उनको कभी ब्लैकमेल करें या कुछ ऐसा करें, तो कभी हमने रिकॉर्डिंग करी ही नहीं।